हेलो गाइस, मैं अमूल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होस्ट ऑफ बाइक। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि बाइक के सर्विसेज और मेंटेनेंस रिलेटेड वीडियो हम हमारे चैनल पर रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। अगर ऐसे ही वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, पहला वीडियो जो हमारा था रॉयल एनफील्ड 350 के स्प्रैक क्लच डिसेंबली के ऊपर था, और आज का हमारा जो वीडियो है तो रॉयल एनफील्ड 350 के असेंबली के ऊपर है। तो वो स्प्रैक क्लच जो है हम आज असेंबल करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। दोस्तों देखिए, ये हमारा सब सामान है, मैंने अच्छी तरीके से यहाँ लगवा लिया है। तो इसे हम करने वाले हैं अभी फिट। देखिए ये पूरा मैंने क्लीन करके रखा है, पैकिंग वगैरह सब, इसकी पैकिंग साफ करना पड़ता है। ये वॉशर रहता है, देखिए क्रैंक को आपको निकाल के बताता हूँ। देखिए जैसे वैसे हम इसको लगा देंगे, और ये क्लच साइड का भी, ये मेन शाफ्ट को भी जो है वॉशर रहता है, ये निकलेगा नहीं। तो मैं ट्राई करता हूँ आपको निकाल के बताने का, आसानी से निकलता नहीं है और निकालने की ज़रूरत भी नहीं गिरती है। जब कभी आप इंजन डिसमेंटल कर रहे हो तभी निकाला जाता है, थोड़ा दिक्कत देता है। तो इसकी निकालने की कुछ ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे कर देंगे फिट। देखिए ये गियर शाफ्ट है, और ये टेस्टनर है जो ड्राइव चेन रहती है उसको टेंशन देने का काम करता है। पहले ही हमने लगा दिया है, इसके नीचे के अभी स्प्रिंग और नट लगाया नहीं, इसको टेंशन नहीं है अभी। तो पहले ही अलंकी से हमने, ये देखिए स्प्रिंग और नट लगाया नहीं, ये लगा देंगे तो इसको टेंशन आ जाएगा, तो इसको हम बाद में लगाएंगे। नट हमने अलंकी से पहले ही इसके टाइट कर दिया है, इसको थोड़ा एनाबोन लगाया है। देखिए ये 660, तो ये स्पेसिफाइड एनाबोन है, इसके ऑयल लीक ना हो माइनर। और एलन की से 5 नंबर की एलन की बैटरी, देखिए दोस्तों, और ये मैंने सेट टाइट कर दिया है पहले ही। तो नट पहले ही टाइट है, तो हम फिट करने वाले हैं। देखिए इसका क्लच हाउसिंग और स्प्रैक क्लच वगैरह सब हम वैसे ही फिट करने वाले हैं। ये देखिए ये क्लच हाउसिंग है इसकी पूरी, तो यहाँ एक चौड़ा वॉशर रहता है, देखिए ये, तो हमें इसे लगा लेना है। बहुत ईजी लग जाता है, आप चाहे तो इसे ग्रीस भी लगा सकते हो माउंट करने के लिए। और ये क्लच प्लेट वगैरह हमें खोलने की ज़रूरत नहीं रहती, तो इसको हम ये नट खोलने की ज़रूरत नहीं 10 mm के। जब कभी आप क्लच प्लेट बदलोगे तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको ईजीली खोलने की ज़रूरत नहीं स्प्रैक क्लच चेंज करने के लिए। देखिए अच्छे से बिठा देना है सब, और ये देखिए हमारा स्प्रैक क्लच है, जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर एक बेरिंग रहती है, इसे 1 mm बेरिंग कहते हैं। देखिए ये बेरिंग, तो ये बेरिंग की वजह से ये 1 mm काम करता है, मतलब एक साइड ही घूमेगा, ये दोनों साइड नहीं घूमने देते, मतलब जैसे स्टार्टर जैसे घूमे वैसे इंजन घुमाएगा, लेकिन इंजन के स्पीड से फिर से स्टार्टर नहीं घुमाता है, बेरिंग पूरी फूट जाती है। देखिए ओल्ड बेरिंग है ये, और स्पैक क्लच के ड्राइव में भी गाले आ जाते हैं। देखिए पूरे रोलर इसके दिखे पड़े हैं, और स्प्रिंग भी टूटी हुई है। देखिए ये स्प्रिंग, देखिए दोस्तों, तो ये हमने नया डाल दिया है, और इसको थोड़ा ऑयल करके रखना है। जब भी आप नया डालोगे तो उससे ऑयल आता है, ऑयलिंग करके देती है कंपनी। देखिए ये कैसे वर्क करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऑयल ये कैसे यूज़ करता है, देखिए ये जब भी मैं उसे एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा था तो नीचे का गियर नहीं घूम रहा है। देखिए एंटी क्लॉक वाइज घुमाऊँगा तो नीचे का गियर नहीं घूमेगा, लेकिन क्लॉक वाइज जैसे ही घुमाता हो तब पूरा गियर जो असेंबली जो है घूमने लगती है। तो यही इसका मेन काम है, इसको हमें ड्राइव चेन में अच्छे से फंसा देना है। देखिए
मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो देखिए हमको ऐसे ही ये जो है क्लच हाउसिंग और ये स्पैक क्लच ऐसे डाल के लेना है मेन शाफ्ट में। थोड़ा आप हिला के आप इजी तरीके से बैठ जाएगा ये, थोड़ा अप डाउन करके प्रॉपर जो शाफ्ट को स्प्लाइन रहती है उसमें बैठने में थोड़ी दिक्कत देती है, ये बड़े ही आराम से बैठ जाता है। थोड़ा स्प्लाइन मेश होने में उसके थोड़ा टाइम लेता है, पर देखिए ये बैठ गया है अच्छे तरीके से। तो इसके बाद हमने दोस्तों एक प्लज हाउसिंग का नट लगा लेना है ये वाशर के साथ में। जैसे वाशर होगा देखिए दोस्तों थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है, वैसे बिठा देना है। और 24 mm का नट लगता है इसके ऊपर, तो इसको भी हम अच्छे तरीके से लगा देंगे और टाइट कर लेंगे। ये देखिए बड़ी डिटेल से वीडियो दोस्तों मैं बना रहा हूँ, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसा ही आपका प्यार जो है दर्शाते रहना। देखिए ये दोस्तों ये 17 mm का नट और उसमें एक वॉशर लगी स्पैक क्लच वाले अगले साइड, तो उसको हम थोड़ा सा जो है लॉक टाइट लगा लेंगे ताकि नट जो है आसानी से हमारा ये खुल जाए ना, क्योंकि क्रैंक को जो है तो बहुत स्पीड रहता है तो ये नट खुल भी सकता है। तो हम इसको थोड़ा लॉक टाइट लगा लेंगे, कंपनी भी इसे लॉक टाइट लगा के ही देती है दोस्तों, ताकि एक नट जब हमारी क्रैंक घूम रही है तो ये आसानी से खुले ना। तो हम थोड़ा इसको ऐसा लॉक टाइट लगा के टाइट कर देंगे। तो मैं ज़रा वीडियो भी फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों को भी देखने में दिक्कत ना हो। देखिए 17 mm के नट जो है हम 17 mm के सॉकेट से टाइट कर लेंगे अच्छे तरीके से, और 24 mm का भी नट टाइट कर देंगे, 24 mm का सॉकेट ही है उससे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो, ऐसे ही आपके चैनल के रिगार्डिंग कुछ सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और रॉयल एनफील्ड के रिलेट कुछ भी आपकी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो हम हमारे चैनल पर रेगुलरली लाते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हो गया है हमारा फिट। और दोस्तों ये देखिए नीचे का टेशनर का हम स्प्रिंग और नट भी लगा लेना है दोस्तों हमें, ताकि ये चेन को जो ड्राइव चेन है तो ये देखिए लूज़ है थोड़ी, तो उसे प्रॉपर टेंशन मिले, तो लूज़ रहने के बाद में थोड़ा आवाज़ करती है, तो हमने इसे प्रॉपर तरीके से लगा देना है। ये देखिए ये ऊपर उसको टेंशन दिया हुआ रहता है चेन को, ताकि चेन प्रॉपर टेंशन चेन को रहे, नहीं तो वो चलने में इधर उधर फाउल होती रहेंगी, थोड़ा आवाज़ वगैरह आएगा। तो इसका कॉलर लगा लेंगे हम क्लच को, हाउसिंग को कॉलर और उसका बेरिंग, इसे आप ग्रीस भी लगा सकते हो, बड़ी आसानी से ये हो जाती है, अगर गिर रही है बार बार तो ग्रीस लगा देना ताकि वो स्टिक रहे। और उसका पुश रॉड भी दोस्तों हमें लगा देना है उसके अंदर, देखिए पुश रॉड बेरिंग भी जब हम डाल रहे दोस्तों तो थोड़ी ऑयल में गीली करके डालनी है। तो हमने सब अभी ये फिट कर दिया है, तो अभी बचा है खाली कवर, तो हमें ये देखिए दोस्तों ये रोटेट होता रहता है स्टार्टर से, 3 gear आते हैं उससे, स्टार्टर से 3 gear में ड्राइव होते हुए ये क्रैंक को घुमा देता है। ये देखिए ये सब कवर जो है सब फिनिश शार्प एज के
रैपर से पूरी कवर निकाल लिए। ऐसे कवर आती नहीं है, वो एनाबॉडी रहता है, तो हमें वो एनाबॉडी अच्छी तरीके से निकाल लेना है। देखिए स्टैंडर्ड है, एनाबॉन्ड 666T नाम से आता है, और वाइट वाला एनाबॉन्ड लगा देना है दोस्तों, ताकि दिखने में भी अच्छा दिखता है। बहुत से मैकेनिक भाई मैंने देखे है कि वो रेड वाला एनाबॉन्ड लगा देते हैं उसको, तो दिखने को थोड़ा और दिखता है वो। तो इसका कलर भी ऐसे पानी के सिरे का होता है, तो ये दिखने में भी और नहीं लगता है। देखिए मैं फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा वीडियो कर रहा हूँ, इसको हम लगा देंगे फास्ट तरीके से, और बड़ी आसानी से कवर जो है दोस्तों हमें लगा देना है। कवर लगाने से पहले दोस्तों एक पिन होती है, तो दोस्तों ये पिन को भी सीधा कर लेना है। देखिए दोस्तों ये बराबर लगा देना, नहीं तो ये दिक्कत देती है कवर बिठाने में। तो अभी हम लगा देंगे इसे, आराम से लग जाएंगे दोस्तों। हम चेक करेंगे थोड़ा रिवर दबा के, देखिए ओके। तो इसे लगा देता हूँ दोस्तों, मैं फटाफट नट और टाइट कर लेता हूँ, वीडियो ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आपका समय बचे। मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है। तो 8mm के इस पैनल से हमें टाइट कर लेना है दोस्तों, हम इसे टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। और नट की जो रोटेशन है दोस्तों, सीक्वेंस है, तो इसी तरीके से मैंने जैसे टाइट किया है वैसे टाइट करना है, ताकि ये पैकिंग जो है ये लीक होए ना, और अच्छे तरीके से कवर पेस्टिंग हो जाए। ये कंपनी स्टैंडर्ड है, सब हम नट चेक कर लेंगे दोस्तों। और जब कोई नट टाइट करोगे तो आमने सामने के नट जो है टाइट करना है, ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाती है। अब लगा लेंगे हम क्लच केबल इसके, फटाफट क्लच केबल, गियर लीवर, और हम फुटरेस रबर लगा देंगे, फुटरेस असेंबली फटाफट तरीके से दोस्तों। ये गाड़ी की सर्विसिंग भी थी, तो मैंने इसका ऑयल पहले ही निकाल देना है, पहले ही निकाल दिया था, वीडियो में मैंने बताया नहीं आपको। अगर आपको खाली स्पार्क क्लच का काम करना है तो आपको ऑयल निकालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा स्टैंड के नीचे आप कुछ कोई भी स्पैनर वगैरह कुछ लगा के गाड़ी थोड़ी टिल्ट कर दोगे तो ज़्यादा ऑयल आपका बाहर आएगा नहीं। ये गियर लेवर लगा लेता हूँ मैं, अब किसे थोड़ा बहुत ऑयल खाली निकलेगा कवर जब खोलोगे तब। 14mm का नट, पूरा ऑयल जो है दोस्तों निकालने की ज़रूरत रहती नहीं है। ये सेटिंग प्रॉपर कर देंगे हमें, फुटरेस के लेवल में इसकी गियर लीवर की सेटिंग करना है, ताकि जब भी हमारा पाव रहे तो आसानी हो हमें गियर करने में। ये मैंने सब फिट करके दोस्तों हम इसको लगाएंगे अभी चाबी, और मैं आपको सुनाता हूँ इसका साउंड। देखिए दोस्तों, देखिए स्टार्टिंग में कोई भी आवाज़ नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से स्टार्ट हो रही है गाड़ी, आप देख सकते हो बड़ी इजी तरीके से स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों ऐसी अगर नॉलेजेबल वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो, टेक्निकल वीडियो हम हमारे चैनल पर रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप लाइक डिसलाइक भी वीडियो को कर देना, और कुछ सुझाव रहे तो भी बता देना, मैं अच्छे से अच्छे वीडियो ऐसे ही यूट्यूब पे लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। देखिए गाड़ी में कोई भी आवाज़ नहीं है स्टार्टिंग के टाइम में। गुड बाय।